अमेरिका ने उड़ाया डीआरडीओ का मजा। तो डीआरडीओ ने एक नहीं बल्कि दो ड्रोन को लॉन्च करने की कर ली है तैयारी। MQ-9 को टक्कर देगा भारत का स्वदेशी हथियार। दोस्तों, भारत का स्टेल्थ फीचर से लेस दुश्मन को बेदम करने वाला भारत का दमदार हथियार, जो पलक झपकते ही दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा उठे। हिंदुस्तान की मिसाइलों की मार इतनी ताकतवर हो गई है कि दुश्मन को पल भर में धूल चटा दे। अब भारत का डीआरडीओ एक नहीं बल्कि दो खतरनाक ड्रोन का निर्माण करके अमेरिका और चीन को तगड़ा चांटा लगाया है। अमेरिका को इसलिए भी क्योंकि अमेरिका ने भारत के डीआरडीओ का मजाक बनाया था और भारत को टेक्नोलॉजी ना देकर कहा था कि भारत की बस की बात नहीं है कि वो ताकतवर ड्रोन का निर्माण कर पाए। अभी तक डीआरडीओ भारत के जखीरे से खतरनाक मिसाइलों के इकट्ठा करने में लगा था और दुनिया मान रही थी कि भारत का डीआरडीओ ड्रोन्स के निर्माण में इतना सक्षम नहीं है। अब भारत के डीआरडीओ ने सेना की ताकत में खतरनाक मिसाइलों को शामिल करके जबरदस्त इजाफा तो कर दिया है, अब बारी ड्रोन निर्माण की है। उधर अमेरिका को डर है कि कहीं भारत भी हथियार का निर्माण और उसका एक्सपोर्ट करना शुरू ना कर दे, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी में सैन्य हथियारों का अहम रोल होता है। लेकिन भारत ने अमेरिका को तकनीक ना देने के बावजूद ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर लिया है जो बहुत ही ताकतवर होने वाले हैं। इस ड्रोन में दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी खूबियों को समझने से पहले आप इस ड्रोन में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में जान लीजिए, जिससे ड्रोन ने अमेरिका और रूस को भी परेशान कर दिया था। अब इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस भारतीय स्वदेशी ड्रोन में होने वाला है। इस ड्रोन की एंट्री होने के बाद भारत हर मौसम हर स्थान पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हो जाएगा। दरअसल अब से कुछ महीने पहले LAC बॉर्डर पर चीन की बढ़ती टेंशन के बीच भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील की थी और इस डील के दौरान भारत ने अमेरिका के सामने एक और शर्त रखी थी, जिसमें भारत की ओर से कहा गया था कि भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन तो खरीदेगा, साथ ही अमेरिका भारत को इस ड्रोन के उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी भी मुहैया कराएगा। लेकिन अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी को देने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में भारत ने एक ऐसे ड्रोन का निर्माण किया है जो अमेरिका को भी परेशान कर सकता है। दरअसल जब दुनिया में डीआरडीओ की कोई बेइज्जती करता है तो उसके बाद डीआरडीओ अपने पांव एक्सीलेटर पर रखता है और ऐसे खतरनाक हथियारों का निर्माण कर देता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। अब इसी तरह आर्चर ड्रोन का डीआरडीओ ने निर्माण करके रूस और अमेरिका को जबरदस्त सदमा दिया है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान के लिए नया काल बनने वाला है। भारत के जखीरे में कई खतरनाक मिसाइलें तो मौजूद थी, लेकिन ताकतवर ड्रोन की सख्त जरूरत थी, जो इस ड्रोन के आने से कमी दूर होने वाली है। इस ड्रोन के बारे में बताने से पहले आपको डीआरडीओ से जुड़ा एक और वाक्य बता देते हैं। दरअसल जब भारत ने दुनिया में 5G सुपर फाइटर जेट के निर्माण की शुरुआत की थी, तब डीआरडीओ ने दुनिया के सामने इसकी साथ जानकारी साझा की थी, लेकिन दुनिया के कई देशों ने खूब मजाक बनाया था, जिसमें ब्रिटेन ने तो यहां तक कहा था कि भारत की बस की बात नहीं है कि वे स्टेल्थ फाइटर का निर्माण कर सके, जिसके कुछ दिन बाद ही डीआरडीओ ने अपनी स्टेल्थ फाइटर के निर्माण में मिली सफलता को फिर से दुनिया के सामने रखा, जिससे वही ब्रिटेन भारत की इस 5G जनरेशन वाले स्टेल्थ फाइटर के निर्माण के प्रोजेक्ट में शामिल करने की भारत से गुजारिश करने लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डीआरडीओ के दो ताकतवर ड्रोन के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें से एक स्टेल्थ फीचर से लेस है तो दूसरा इतना खतरनाक है कि उसके आगे अमेरिका का कोई भी ड्रोन टक्कर नहीं ले पाएगा। अमेरिका का डीआरडीओ का मजाक बनाना बहुत महंगा पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको स्टेल्थ फीचर वाले ड्रोन के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको उस ड्रोन के बारे में बताएंगे जिसके निर्माण पर भारत ने अमेरिका के MQ ड्रोन का तकनीक का इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन अमेरिका ने अपनी तकनीक साझा करने से इनकार कर दिया था। अब जिस ड्रोन का निर्माण डीआरडीओ ने किया है वो MQ ड्रोन से भी खतरनाक होने वाला है। डीआरडीओ के द्वारा शिफ्ट ड्रोन बनेंगे भारत के पहले खतरनाक स्टेल्थ लड़ाकू मानव रहित विमान। दरअसल डीआरडीओ के ट्विटर हैंडल से एक बहुत ही बड़ी खबर अभी हाल ही में साझा की गई। भारत तीनों सेनाओं के लिए एक स्टेल्थ ड्रोन के निर्माण पर काम कर शुरू कर चुका है। चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब भारत को ताकतवर ड्रोन्स की आवश्यकता होने लगी है। अब डीआरडीओ स्विफ्ट ड्रोन के निर्माण पर काम शुरू कर चुका है। डीआरडीओ इस ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी अभी उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, बस ये कह रहा है कि एक स्टेल्थ ड्रोन के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। अब आइए उस ड्रोन के बारे में बताते हैं जो अमेरिका के MQ-9 से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है, और इसका निर्माण ही भारत इसलिए कर रहा है ताकि अमेरिका ड्रोन को टक्कर दी जा सके। आर्चर ड्रोन के निर्माण में इस्तेमाल होगी बायरेक्टर TB2 ड्रोन की तकनीक।
दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन के रूप में TB2 ड्रोन की है पहचान। दरअसल आज से ड्रोन को लेकर DRDO की ओर से एक बड़ी अपडेट आई है। इस ड्रोन में एक ऐसे देश की टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाने वाला है जिसके ड्रोन ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में एक झटके में तस्वीर बदल कर रख दी थी। इस युद्ध में आर्मेनिया रशिया के ड्रोन का इस्तेमाल करके अजरबैजान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तभी इस युद्ध में टर्की की एंट्री होती है और टर्की अपने ड्रोन की सप्लाई अजरबैजान को करता है, जिसके इस्तेमाल से अजरबैजान ने आर्मेनिया को तबाह कर दिया था, जिसके बाद आर्मेनिया के साथ साथ रूस को बहुत बड़ा झटका लगा था। तभी से तुर्की के इस ड्रोन की पूरी दुनिया में मांग बढ़ गई। आपको बता दें कि जिस ड्रोन का इस्तेमाल इस युद्ध में अजरबैजान की ओर से किया गया था, उसका नाम बायरेक्टर TB2 है। अब इसी ड्रोन की टेक्नोलॉजी का ही आज ड्रोन में उपयोग किया जाने वाला है। यह ड्रोन भारत का मेड इन इंडिया के तहत स्वदेशी ड्रोन होने वाला है। उधर दूसरी ओर भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील की हुई है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन को खरीदने वाला है और साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी भी अमेरिका से देने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने इस MQ ड्रोन की टेक्नोलॉजी भारत को बेचने से साफ इनकार कर दी थी। लेकिन अमेरिका 30 ड्रोन भारत को तो दे देगा, साथ ही इस तरह से आर्चर ड्रोन और MQ ड्रोन का बेजोड़ नमूना चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल उत्पन्न कर सकता है। वहीं अगर आर्चर ड्रोन के ताकत की बात करें तो इसके निर्माण की प्राइवेट कंपनियों की मदद की जा रही है। भारत का यह पहला स्वदेशी ऑल वेदर में उपयोग किया जाने वाला ड्रोन होगा, जिन्हें सेना के ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशन में भी उपयोग किया जा सकेगा। वहीं आर्चर ड्रोन रुस्तम ड्रोन से काफी अलग होगा। इस ड्रोन को खासकर बॉम्बिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके विंग्स को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक बार में ये अपने साथ 6 मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसके अलावा इसमें सैटेलाइट गाइडेंस और टर्बोजेट इंजन का भी उपयोग किया जाने वाला है, जिसकी बदौलत यह लगातार आसमान में दुश्मनों का काल बनने के लिए 12 घंटों तक उड़ता रहेगा। खबरों के मुताबिक 2022 के मई तक इसके पहले परीक्षण की पहली यूनिट को कंडक्ट कर लिया जाएगा। वहीं इस ड्रोन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में उपस्थित नहीं है। बस ये माना जा रहा है कि जो ड्रोन है, उधर भारत में जब भी किसी ड्रोन या फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है तो क्लाइमेट का भी खास ध्यान दिया जाता है, क्योंकि चीन के साथ लगती LSC सीमा पर जहां तापमान 0 से नीचे रहता है, वहीं LOC सीमा पर पाकिस्तान के साथ सटे इलाकों के तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि भारत MCA विमान में उपयोग होने वाले इंजन में अमेरिकी इंजन के उपयोग से बचना चाहता है और स्वदेशी इंजन के निर्माण पर जोर दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।